श्रील सुखदेव गोस्वामी अब चालू करते हैं। तथाघ बदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिन मानीय भगवान इदम अब्रवीत। मृत्यु स्वरूप है अघासुर के पेट से बच्चों को और बछड़ों को लेकर के भगवान जमुना के पुलिन पर आए। सरित पुलिनम आनीय, सरित के पुलिन पर, जमुना के पुलिन पर ला करके बच्चों को, और भगवान ने इस तरह कहा। अब तो ये बात सभी बच्चे जानते थे कि हम एक अजगर के पेट में चले गए थे, बाद में भगवान ने कहा बाप रे बाप, बहुत बड़े खतरे से बच गए, हमारे पिताजी ने बहुत पुण्य किया था, मां यशोदा ने बहुत पुण्य किया था, इस तरह से वे बातों को कह रहे थे। और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बार अजगर के मुंह में जा करके भी आप जी करके आ गए। भगवान जी नहीं कहते थे कि मर गए थे, बाद में कहेंगे, ब्रज में पहुंचने पर कृष्ण कहेंगे कि ये सब मर गए थे, पर भगवान की कृपा से जी गए, नारायण की कृपा से जी गए। ये मूल नारायण बोल रहे हैं कि नारायण की कृपा से सब जी गए, जिलाए तो ये हैं। तो सबको लाए बचा करके, अब सांप के मुंह से निकल करके बच्चे कितने सावधान हुए होंगे और जल्दी से जल्दी बछड़ों को लेकर के और भागना चाहते होंगे। इतना देर तक तो खेले थे, खेल खेल में ही वो अघासुर इनको निगल लिया था, ये स्वयं उनके उसके मुंह में चले गए थे। और जो भोजन सामग्री थी, जो छींके थे जिसमें दही भात और अचार वगैरह टांगा गया था, उसको लेकर के बच्चे वृक्ष में टांग दिए थे, जगह जगह वृक्ष में बांध कर रख दिए थे और खाली हाथ से खेल रहे थे। अब तक खाए नहीं थे, खेलने में एक तो रुचि थी, कृष्ण के साथ खेलने में देर हुई थी, और उसके बाद फिर अघासुर निकल गया था, उसमें कुछ देर हुई। एक सांप के मुख से निकल करके अभी भागे, बहुत चकित थे, डरे हुए थे, कृष्ण कहे डरो मत डरो मत, अब तो मर गया। तो सब चले, तो सबको लाए, चलो चलो जमुना के पुलिन पर, पुलिन पर, पुलिन पर ला करके यहां भगवान शायद कहे होंगे कि हाथ पैर धो लो अथवा नहा लो, एक सांप के मुंह से, उसे मरे हुए सांप से निकले हो तो स्नान कर लो। इसका तो उल्लेख नहीं है, लेकिन सरित पुलिनम आनी है, इतना सुखदेव जी कह रहे हैं, सरित के पुलिन पर भगवान लाए और ला करके ये बोले। कौन बोले? भगवान इदम अब्रवीत, भगवान यह बोले। यह भगवान का अर्थ है परम सुंदर, परम दयालु, बड़ी ही रसिकता पूर्वक, ममता पूर्वक बच्चों से बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए उनको भगवान कहा जा रहा है। भगवान यह बोले, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्यः स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम उस्फुटत सरोगंधिरता लिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लस द्रुमा कुलम। हे मित्रों, ये जमुना जी का पुलिन कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। अहो अति रम्यम पुलिनम वयस्य, वयस्य मैंने हे मित्रों, हे मेरे साथियों, ये जमुना जी का पुलिन कितना सुंदर है। अति रम्यम, यह रमणीय, अति रम्य है, यहां हम लोगों को रहना चाहिए, यहां खाना चाहिए, भगवान कहने लगे। स्फुटत अहोति रम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेली संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम, हम लोगों की लीला के उपयुक्त अथवा जमुना जी की लहरों के द्वारा संवारा हुआ कितना सुंदर बालू है बैठने के लिए, कोमल बालू का है, बहुत सुंदर। अच्छ बालुकम, अच्छे संस्कृत शब्द है, उसी को हिंदी में अच्छा कहते हैं, अच्छे बालुकम, सुअच्छ स्वच्छ, कितनी सुंदर बालुका है, सूक्ष्म कण है बालुका, और संवारा हुआ है जमुना जी के लहरों द्वारा, बहुत सुंदर। स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वन लसद्रमा कुलम, और देखो यहां सरोवरों में और जमुना में कमल खिल रहे हैं। स्फुटत सरो, प्रस्फुटित हो रहा है कमल, और कमल के सुगंध को लेकर के हवा चल रही है, पवन चल रहा है, उससे आकृष्ट होकर के भौंरे और पक्षी
गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं और उन पक्षियों की बोली जल पर टकरा रही है तो उसकी प्रतिध्वनि निकल रही है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज भरी हुई है, भंवरों की आवाज भरी हुई है, भन 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 या कुहू कुहू इत्यादि। तो पक्षी बहुत सुंदर गा रहे हैं, भंवरे गा रहे हैं, सुगंध फैली हुई है, पानी बहुत अच्छा है, भूमि बहुत अच्छी है, हवा सब कुछ अच्छा है। अत्र भोक्तव्यम अस्माभि, दीवारूढ़ क्षुधार देता वत्स समीपे पह पृत्वा चरण तुषण का स्त्रीलम। तो मित्रों एक काम किया जाए, यहां हम लोगों को खाना चाहिए। अब पहले तो मन में संकल्प करके चले थे कि वन में भोजन करेंगे, लेकिन बीच में ये बच्चे ही भोजन बन गए थे अघासुर का। तो भगवान कहते अत्र भोक्तव्यम अस्माभि, अब यहां हम लोगों को खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अस्माभि अत्र भोक्तव्यम, अत्र जमुनाया पुलिने भोक्तव्यम, यहां भोजन करना चाहिए। भगवान को ये चिंता है कि बच्चे भूखे, कितने स्नेह में भगवान है, यह नहीं कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको खाना चाहिए, लेकिन उनके लिए कहते हैं कि आप सब भूखे हैं, हम लोगों को यह खाना चाहिए, करना चाहिए। अथवा एक अर्थ ये भी है कि भगवान अपने साथियों को खिलाने के लिए स्वयं कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, यहां खाना चाहिए, यहां भोजन करना चाहिए। इस पर एक बात का संकेत मिलता है कि भोजन का जो स्थान है वो सुगंधित होना चाहिए, जो स्फुटित सरो गंध, कमल की गंध फैल रही है। भोजन बहुत शुद्ध स्थान में करना चाहिए, सुगंध हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कलह नहीं, आनंद में हो, झगड़ा करके भोजन नहीं करना चाहिए। अभी अपने पत्नी से लड़ाई करके और कहे कि लाओ खिलाओ तो क्या खाएगा, तो गुस्सा में आदमी है तो वो खाएगा क्या। आनंद से खाना चाहिए भोजन, जब आनंद से किया जाता है स्वाद के साथ तो शरीर में बल की वृद्धि होती है। तो बहुत बहुत, और आसन कैसा होना चाहिए, बहुत कोमल आसन, ठीक से बैठे, नहीं कि शरीर में गड़ रहा हो, कुछ आसन कठोर हो तो ठीक नहीं। और टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उस स्थान खाने का नहीं होता। तो गीता प्रेस गोरखपुर में गया था एक बार, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहे घर के लोग कुछ डाइनिंग टेबल लाए थे, तो भाई जी कहते हैं जब से डाइन घर में आई है तब से भोजन का रूप बिगड़ गया, डाइनिंग टेबल को डाइन कहते थे। बस मोजा पहने हुए, जूता पहने हुए और चमच आदि लेकर के बिना हाथ पैर धोए बस खाना चालू किया। ये सब राक्षसों की रीति है खाने की, ऐसे नहीं खाना चाहिए, आराम से बैठ करके सुंदर आसन पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कथा हो रही है, श्रोता बैठे हैं तो बालू होने से कितना आराम से बैठ रहे हैं, पत्थर पर इस तरह से आराम से नहीं बैठ सकते, ये सीमेंट के बने हुए स्थान पर। यहां आनंद आता है बैठने में, तो इस तरह से भोजन का स्थान ऐसा होना चाहिए। और कुछ पक्षी बोल रहे हैं, भंवरे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई सुंदर गीत लगा लेना चाहिए खाते समय, कोई भजन का कैसेट लगा लेना चाहिए, इस तरह की इससे खाना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया की बातें करे, गप करे और खाता जाए, ऐसा नहीं। भगवत प्रसाद खाने में ये सब नियम रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दीवारूढ़ सुधार देता, देखो दिन चढ़ गया, हम लोग इसके पहले खा लेते थे लेकिन आज दिन चढ़ गया, ऐसे फंस गए थे विपत्ति में, क्या करें, यहां खाओ खाओ खाओ, कि पानी निकट है, भोजन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, पानी निकट है। वो बच्चे कोई गिलास लोटा लेकर नहीं गए थे, वो खाते थे और जाकर जमुना जी से पानी पी लेते थे, बस हो गया। इतना संग्रह नहीं करना चाहिए कि दस दस कटोरी और गिलास, उनको मांजने धोने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो लोग करपात्री हो जाते हैं, दोनों हाथों को जोड़े एक बर्तन बन जाता है, इसी से पी लेते हैं, इसी में खा लेते हैं, खो गया।
जो विषयी लोग होते हैं बहुत सामान संचय करते हैं, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, और एक प्लेट में 10-20 कटोरियां रख देते हैं। ये सब फैशन है। ये भगवान कैसे खा रहे हैं आप लोग देखेंगे सुनेंगे। तुमने कहा कि यहां हम लोग खाएं, यहां पानी है, शुद्ध हवा है, सुगंध है, जमीन बहुत अच्छी है, कोयल बोल रहे हैं, भौंरे गुनगुना रहे हैं, इस तरह से भोजन का स्थान है बहुत सुंदर, यहां हम लोग खाएं। दीवारूढ़ क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है, क्षुधार जीता और भूख भी लग गई है, भूख से व्याकुल हैं हम सब। कुछ बच्चों ने कहा कि और इधर भोजन में लग जाएंगे तो बछड़े तो चले जाएंगे इधर। तो भगवान ने कहा कि वत्सा समीपे पहपित्वा चरंतु सनकस्त्रिणम, ऐसा काम किया जाए कि बछड़ों को पहले पानी पिला लो, चलो पानी पिला लें बछड़ों को, और उनको एक जगह घेर दिया जाए, यहां धीरे धीरे पानी पी करके खाएं, ये घास चरते रहेंगे और हम लोग खाते रहेंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तब वे तैयार हो गए। तैयार होकर के कैसे आसन पर बैठ रहे हैं इसका वर्णन सुखदेव करते हैं।